हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, आज खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला इंडिया बनाम जिम्बाब्वे के बीच में। जी हां दोस्तों, और इस मुकाबले में टीम इंडिया अपना प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव कर सकती है। तो दोस्तों, कब से खेला जाएगा यह दूसरा T20 मुकाबला इंडिया बनाम जिम्बाब्वे के बीच में, कहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, पूरे डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच जो यह दूसरा T20 मुकाबला है, यह टीम इंडिया के लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि जो पहला मुकाबला खेला गया था इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में, वह मुकाबला जो कि जिम्बाब्वे जीत चुका है। ऐसे में टीम इंडिया वापसी करना चाहेगी आज मुकाबले जीत कर। तो दोस्तों, बात करें आज का जो मुकाबला है वह जिम्बाब्वे के हरारे में खेला जाएगा यह मुकाबला। इसके अलावा यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार जो कि 4:30 पर शाम को शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यह मुकाबला बिल्कुल फ्री में देख सकते, चाहे वह मोबाइल की बात करें या फिर टीवी चैनल्स की बात करें। तो दोस्तों, टीवी चैनल्स पर डीडी स्पोर्ट्स पर आने वाला है। इसके अलावा आप अगर कोई ऐप पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों बता दें कि आप देख सकते हैं सोनी लीप पर। इसके अलावा सोनी 10.3 और सोनी 10.5 पर आने वाला है, लेकिन इसके लेकर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो दोस्तों, अब बात करें टीम इंडिया को जो पहले मुकाबले में हार मिली है, इसके बाद से टीम इंडिया में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बता दें कि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस स्पेशली गेंदबाजी में थोड़ा सा खराब था खलील अहमद का। ऐसे में खलील अहमद की जगह पर कोई अन्य खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। तो अब बात करें टीम इंडिया क्या होगा बेस्ट प्लेइंग 11। तो दोस्तों, सबसे पहले टीम इंडिया से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। या दोस्तों, अभिषेक शर्मा पहले मुकाबले में कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार खुद को साबित करना चाहेंगे और बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाहेंगे। मुश्किल पिच है, थोड़ा स्लो भी खेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम इंडिया को जीतना चाहिए यह मुकाबला है। यही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अभिषेक शर्मा को। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर नजर आएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ भी फेल हो चुके थे पहले मुकाबले में, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ कमाल के खिलाड़ी है, इसमें किसी को शक नहीं है। और वह खुद को फिर से साबित करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ कि वह क्यों इतना बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। इसके बाद हमें नजर आएंगे रियान पराग। जी हाँ दोस्तों, रियान पराग एक और ऐसा खिलाड़ी जो कि बिल्कुल फेल हो गए थे पहले मुकाबले में, लेकिन रियान पराग क्या है हम सभी जानते हैं, चाहे वो बॉलिंग में हो या फिर बैटिंग में हो, दोनों में धमाल करने का क्षमता रखते हैं रियान पराग। और इस वजह से रियान पराग को भी हम बेहद ही ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं दूसरे T20 मुकाबले में। इसके बाद रिंकू सिंह आएंगे। इसके अलावा बताते हैं कि ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा, फिर रवि बिश्नोई, और बताते हैं कि वाशिंगटन सुंदर से भी बेहद उम्मीद होगा इस बार, अवेश खान, और बताते हैं कि हर्षित राणा डेब्यू कर सकते हैं दूसरे मुकाबले में। खलील अहमद के खराब परफॉर्मेंस होने की वजह से खलील अहमद को बाहर कर हर्षित राणा को मौका दिया जा सके। इसके अलावा बताते हैं कि मुकेश कुमार। तो दोस्तों, यह हो सकता है टीम इंडिया का बेस्ट प्लेइंग 11। वैसे में सबसे ज्यादा उम्मीद हमें शुभमन गिल से ही है, क्योंकि शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ बेहद ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, ना सिर्फ लीग मुकाबले के लिए बल्कि टीम इंडिया से भी कई मुकाबले खेल चुके हैं और कई क्रूशल पारी भी खेल चुके हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल को अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज टीम इंडिया वापसी करेगी जिम्बाब्वे को हराकर या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।